हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो सबसे पहले एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है, जिंक आयन इसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर हम बात करेंगे इसके लेवल की तो सीरम में एएलपी का जो लेवल है इट इज़ फाउंड टू बी 30 to 130 यूनिट पर लीटर। अब बात करेंगे अगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज की, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज़ यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ लिवर डिजीजेस। एंड येस, वाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वाई द लेवल ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज इंक्रीज्ड इन चिल्ड्रेन। जस्ट बिकॉज अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रेन की तो उनमें क्या होता है कि इंक्रीज्ड ग्रोथ होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होती है। सो ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी द लेवल ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड इन चिल्ड्रेन एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज ये मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन है कि मैं और ऐसे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसकी आइसो एंजाइम्स की तरफ। तो एएलपी के टोटल 6 आइसो एंजाइम्स हैं, जिसमें कि पहला है α1 AlP, देन सेकेंड इज हीट लेबाइल α2 AlP, हीट स्टेबल α2 AlP, द फोर्थ वन इज द प्री बीटा AlP, गामा AlP एंड द लास्ट वन इज ल्यूकोसाइड AlP। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। बात करते हैं α1 AlP की। सो इट इज फाउंड टू बी इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। सेकेंड इज α2 AlP विच इज हीट लेबाइल, इट इज फाउंड टू बी प्रोड्यूस्ड बाई हिपैटिक सेल्स। द थर्ड इज दी α2 हीट स्टेबल AlP। तो इसका जो ओरिजिन है वो प्लेसेंटल ओरिजिन का है एंड इट इज फाउंड इन ब्लड ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसी। द फोर्थ वन इज द प्री बीटा AlP और ये क्या है, इट इज फाउंड टू बी द बोन ओरिजिन एंड ये मार्कर होता है बोन डिजीजेस का। द फिफ्थ वन इज द गामा AlP विच इज एलिवेटेड इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द लास्ट वन इज ल्यूकोसाइट AlP विच इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इन केस ऑफ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंट डिजीजेस दैट कैन बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ AlP। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको एंजाइमोलॉजी को समझना है डिटेल में, देन इस चैनल पे कंप्लीट वीडियो है एंजाइमोलॉजी के ऊपर, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया दैट व्हाट इज एंजाइम्स एंड उसके क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन डिटेल। लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से जाके एंजाइमोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ AlP डिफरेंट डिजीजेस कैन बी डायग्नोस्ड। सो फर्स्ट वन इज द मॉडरेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ AlP विच इज 2 to 3 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल AlP। तो इसके अंदर आता है हिपैटिक डिजीजेस सच एज इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोम। द सेकेंड इज वेरी हाई लेवल ऑफ AlP विच इंक्लूड्स 10 to 12 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल लेवल एंड इसके अंदर आता है एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन सच एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस एंड इंट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस। थर्ड इज द ड्रास्टिकली इंक्रीज इन द लेवल ऑफ AlP। सो इट इज अबाउट 10 to 25 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल लेवल और ये हमें देखने को मिलता है बेसिकली बोन डिजीजेस में, जिसमें इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हो जाती है एंड द डिजीजेस इंक्लूड्स पेजिट्स डिजीज, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोब्लास्टोमा एंड कार्सिनोम ऑफ द बोन एंड हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एल्कलाइन फॉस्फेटेज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।